कैसे आप सभी नीट पावर बूस्टर सीरीज में ये है कक्षा 11 का अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण। यहां पर आपको एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर क्विक रिवीजन कराया जाएगा। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले आप कक्षा 11 के अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस अध्याय में पहला क्वेश्चन जो कि है जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था। अगर हम बात करें वर्गीकरण के लिए, जीवों के वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक मानदंड का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो वो किए थे अरस्तु ने, ऑप्शन बी। आपको पता कि अरस्तु ने पादपों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, वृक्ष, शाक और झाड़ी में, ठीक है। और वहीं जंतुओं को डिवाइड किया था 2 कैटेगरी में, एक वे जिनमें आरबीसी पाई जाती है और एक वे जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती। इस के अनुसार अरस्तु ने जीवों को वर्गीकृत किया था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अरस्तु के वर्गीकरण का आधार क्या था। तो अभी बता दिया मैंने आधार क्या था, पादपों को उन्होंने सामान्य आकार की लक्षण के आधार पर, वृक्ष यानी बहुत बड़े पौधे, वृक्ष, साक यानी छोटे पौधे, झाड़ियों वाले पौधे को झाड़ी में रख दिया था, जंतुओं को वे जिनमें आरबीसी पाई जाती है, जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती। तो पादपों का सरल आकार की लक्षण, जंतुओं में आरबीसी की उपस्थिति अनुपस्थिति, यही आधार था अरस्तु के वर्गीकरण का। ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विजगत पद्धति किसने प्रतिपादित किया था। तो द्विजगत पद्धति प्रतिपादित किया था लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने 2 जगत दिया था, पादप और जंतु। अब इन्होंने पादप और जंतु तो दे दिया, लेकिन इनकी नेगेटिव पॉइंट क्या थी। नेगेटिव पॉइंट ये थी कि ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों को अलग नहीं कर पाए, ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को अलग नहीं कर पाए, ये प्रकाश संश्लेषी अप्रकाश संश्लेषी को अलग नहीं कर पाए। यानी इनमें अभी बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसमें हम जीवों को इंक्लूड नहीं कर सकते थे। कवक को पादप में रख दिया गया था बस इस वजह से कि उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती थी, जीवाणुओं में भी कोशिका भित्ति पाई जाती थी, तो इस वजह से वो पादप में रख दिया गया था। तो ये गलत तरीका था, क्योंकि जीवाणु जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक तो होते नहीं है, तो इस वजह से, ठीक। गलत कथन का चयन करिए। द्विजगत पद्धति में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक एक कोशिकीय बहुकोशिकीय तथा प्रकाश संश्लेषी अप्रकाशी संश्लेषी के बीच विभेद स्थापित करना संभव नहीं था। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया द्विजगत पद्धति में इन्हें हम अलग नहीं कर पाते थे। प्राणियों, हमें गलत कथन चुनना है। पादपों और प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारी को इनमें से किसी वर्ग में रखना संभव नहीं था, ठीक है। वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधियां, विकासी संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता थी, ये भी सही बात है। द्विजगत पद्धति का प्रतिपादन विटेकर ने किया था, नहीं, लीनियस ने किया था, अभी आपने पढ़ा, ऑप्शन डी गलत आंसर है। पांच जगत पद्धति का वर्णन किसने किया था, तो पांच जगत पद्धति किसने बनाया था, विटेकर ने बनाया था, ऑप्शन बी सही है। आपको पता है कि पांच जगत कौन कौन से था, मोनेरा जिसमें सभी जीवाणु आते हैं, यानी हम कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है प्रोटिस्टा जिसमें यूकैरियोटिक आते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक आते हैं। और उसके बाद आता है आपका कवक, पादप, जंतु। अब इनको कैसे डिवाइड किया गया, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं, तो ये स्वपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं, ये परपोषी होते हैं, ये अपने खाने को अवशोषण करते हैं और ये अंतर्ग्रहण करते हैं, ये अंतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति का आधार क्या था। तो आधार था कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण विधियां, प्रजनन, जाति वृत्तीय संबंधी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जहां पर भी आप जाति वृद्धि संबंध देख लो लगा दो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा में रखे पैरामीशियम और अमीबा को पहले किस वर्ग में रखा गया था। तो जैसा कि अभी बताया गया है कि प्रोटिस्टा में पैरामीशियम और अमीबा को रखा गया है, इससे पहले इसे कहां रखा गया था। तो चूंकि पैरामीशियम और अमीबा में कोशिका भित्ति तो पाई नहीं जाती, तो इन्हें हम रखते थे जंतु जगत में, ऑप्शन डी, पहले इसे जंतु जगत में रखा गया था। नेक्स्ट, प्रोटिस्टा में रखे क्लाइमाइडोमोनास और क्लोरिला, ये सवाल है, तो इसे हम पादप जगत में पहले रखे थे, पहले कहां रखा गया था यही पूछा जा रहा है। पांच जगत पद्धति जब नहीं बनी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु जब नहीं बना था, तब इन्हें कहां रखा गया था, तब इन्हें रखा गया था पादप जगत में। नेक्स्ट, सबसे अधिक पोषण विविधता पाई जाती है, सबसे अधिक पोषण विविधता पांचों जगत में किसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो मोनेरा में पाई जाती है। मोनेरा की और खास बात क्या है, देखो सबसे ज्यादा पोषण विविधता पाई जाती है, दूसरा मोनेरा में उपापचयी
विविधता भी सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वप संश्लेषी होते हैं, परपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, बहुत कुछ होते हैं। यानी पोषण की विधियां सबसे ज्यादा मोनेरा में पाई जाती है, जीवाणुओं में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मिलान करना है, यहाँ पर कोशिकाओं का यानी जीवाणुओं के आकार की बात की जा रही है। गोलाकार जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कोकस, ऑप्शन थर्ड। सर्पिलाकार स्पाइरिलम, छड़ाकार बैसिलस, कोमाकार विब्रियो, लगा दीजिए एक थर्ड, एक थर्ड, एक थर्ड, बी का सेकंड, बी का सेकंड, बी का सेकंड, सी का फोर, सी का फोर, सी का फोर, ऑप्शन ए लगा दीजिए। नेक्स्ट उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में सर्वाधिक विविधता किसमें पाई जाती है, अभी बताए थे पोषण की विविधता, उपापचयी विविधता सबसे ज्यादा मोनेरा में पाई जाती है, ऑप्शन लगाएंगे, सॉरी विषाणु कहाँ गया, बैक्टीरिया में, क्योंकि बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया है, मोनेरा में। तो सबसे ज्यादा पोषण की विविधता, उपापचयी विविधता, बैक्टीरिया यानी मोनेरा में पाई जाती है। दूसरा अत्यंत लवणीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों को क्या कहते हैं, लवणीय क्षेत्र हैलोफिल्स कहते हैं, गर्म झरनों में पाए जाने वाले थर्मोएसिडोफिल्स, दलदली कक्ष में पाए जाने वाले मिथेनोजन, रुमिनेंट पशुओं में पाए जाने वाले मिथेनोजन, लगा दीजिए एक थर्ड, एक थर्ड, बी का फोर, बी का फोर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आद्य बैक्टीरिया किस गुण के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने में सक्षम होते हैं, आपको पता है कि जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आद्य बैक्टीरिया जिसे कहते हैं आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और एक होता है सत्य बैक्टीरिया, सत्य जीवाणु जिसे कहते हैं यू बैक्टीरिया। तो ये जो होते हैं आर्की बैक्टीरिया ये प्रतिकूल आवास में भी रह सकते हैं, प्रतिकूल आवास में, जैसा कि अभी आपने जाना अति लवणीय क्षेत्र में पाए जाते हैं हैलोफिल्स कहलाते हैं, दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं मेथनोजेंस कहलाते हैं, गर्म क्षेत्र में पाए जाते हैं थर्मोएसिडोफिल्स कहलाते हैं। तो अति प्रतिकूल अवस्था में पाए जाते हैं तो कैसे ये जीवित रहते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं, प्रतिकूल अवस्था में ये जीवित नहीं रह पाएंगे। तो क्या इनमें खास है, तो इनकी जो कोशिका भित्ति है वो इनसे अलग होती है, यही कोशिका भित्ति की जो संरचना होती है इनको प्रतिकूल आवास में जीवित रह सकने में सक्षम बनाती है, यानी हम क्या लगाएंगे, कोशिका भित्ति, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यू बैक्टीरिया सत्य बैक्टीरिया की पहचान क्या है, किस आधार पर आप पहचानोगे कि वो ट्रू बैक्टीरिया है, तो दो कैरेक्टरिस्टिक याद रख लेना, रिजिड सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल एंड प्रेजेंस ऑफ ए फ्लैजिलम, यानी एक कठोर कोशिका भित्ति और एक कसाविका, कठोर कोशिका भित्ति और एक कसाविका, अगर ये उपस्थित है तो वो सत्य बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया है, ऑप्शन सी, ये उसकी पहचान होती है। साइनोबैक्टीरिया किसकी उपस्थिति के कारण प्रकाश संश्लेषी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया किसमें आते हैं, ये भी यू बैक्टीरिया के अंतर्गत ही आते हैं। तो किसमें प्रकाश संश्लेषी किसकी वजह से होते हैं, क्लोरोफिल ए पाया जाता है इनमें, क्लोरोफिल ए पाया जाता है, इसी वजह से ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, अपना भोजन सब बना सकते हैं। गलत कथन का चयन करना है, मिथेनोजन अनेक रूमिनेंट पशुओं गाय भैंस के आंत में पाई जाती है तथा इनके गोबर में मीथेन गैस उत्पन्न कराती है, बिल्कुल सही बात है, आपको बताया गया है मिथेनोकोकस होता है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय कॉलोनी तथा तंतुमय अलवणीय जलीय समुद्री स्थलीय शैवाल है, बिल्कुल सही बात है। साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी पर प्रायः जलीनुमा आवरण से ढकी होती है जो प्रदूषित जल में बहुत फूलते हैं, सही है। साइनोबैक्टीरिया परजीवी रूप में अन्य जंतुओं पर पाए जाते हैं, गलत बात है, परजीवी नहीं होते साइनोबैक्टीरिया, तो स्वप्रकाश संश्लेषी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, परजीवी नहीं होता, ऑप्शन डी। नेक्स्ट नॉस्टॉक और एनाबिना द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है, नॉस्टॉक और एनाबिना में एक स्पेशल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम हाइड्रोसिस्ट कहते हैं, हाइड्रोसिस्ट की मदद से ही ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट गलत कथन का चयन करिए, रसायन संश्लेषित बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे विभिन्न कार्बनिक तत्वों के ऑक्सीकरण करके एटीपी का उत्पादन करते हैं, सही बात है। लेग्यूम पादप की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, पढ़ चुके हो। साइट्रस कैंकर जैंथोमोनास सेट्राई द्वारा होता है, सही है। जीवाणु अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु बनाते हैं, गलत बात है। जीवाणु अनुकूल परिस्थिति में कोशिका विभाजन द्वारा जनन करते हैं, कोशिका विभाजन द्वारा जनन करते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणु बनाते हैं, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति में बीजाणु बनाते हैं, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट गलत कथन का चयन करिए, बैक्टीरिया में लैंगिक जनन के दौरान एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ ट्रांसफर होता है, प्रिमिटिव टाइप ऑफ ट्रांसफर होता है डीएनए का, सही है। माइकोप्लाज्मा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बिल्कुल सही बात है, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकती है और ये रोग भी उत्पन्न करती है जंतु पौधों में। सबसे बड़ी कोशिका है, गलत बात है, अभी बताएं सबसे छोटी कोशिका है, ऑप्शन सी, ठीक है। जंतु पादप में रोगजनक भी होती है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा का सदस्य कौन है, प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य एक कोशिकीय होते हैं, अच्छा जलीय, जलीय और स्थलीय पूछा गया ना, तो जलीय होते हैं। आप देखो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना,
ये सभी कहां पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, तो जलीय होते हैं प्रोटिस्टा के सदस्य। नेक्स्ट, डायटम्स में कोशिका भित्ति नष्ट ना होने का कारण, डायटम्स किस में आता है बताइए भैया? डायटम आता है क्राइजोफाइट्स में। और इसमें कौन कौन आता है? डायटम्स आता है और डेस्मिड्स आता है। डेस्मिड्स को और क्या किस नाम से जानते हैं? गोल्डन एल्गे के नाम से जानते हैं। आपने पढ़ा है इनके बारे में कि डायटम के जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सेलिका का जमाव होता है, उसी के कारण इनकी कोशिका भित्ति नष्ट नहीं होती और इनके जमाव के कारण डायटमिसिस अर्थ का निर्माण होता है। डायटमिसिस अर्थ का हम प्रयोग कर सकते हैं सिरप और तेल को छानने में और क्या कहते हैं पॉलिश बनाने में। तो ये होगा सिलिका की उपस्थिति, ठीक है डी। नेक्स्ट, समुद्र के मुख्य उत्पादक कौन है? समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं डायटम्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्राइजोफाइट्स के अंतर्गत कौन आते हैं? अभी बताया था क्राइजोफाइट्स के अंतर्गत आता है डायटम्स और गोल्डन एल्गी जिसे हम डेस्मिड्स कहते हैं। डायटम और डेस्मिड्स, सी और डी, ऑप्शन ई। नेक्स्ट, डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं? तो डायनोफ्लैजिलेट में आप याद रख लेना रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल, रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जाम्पल जिसका नाम है गोनियोलैक्स। तो गोनियोलैक्स जो होता है वो रेड डायनोफ्लैजिलेट होता है और इसमें दो फ्लैजिला होती है, समुद्री होती हैं और प्रकाश संश्लेषी होती हैं, ऑप्शन बी। ठीक है, गोनियोलैक्स के पास तो दो फ्लैजिला होता है, एक लंबवत होता है और एक खांच की भित्ति के बीच में होता है। इनकी जो कोशिका भित्ति उत्पन्न होती है उस पर स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट पाया जाता है। इनके समूह में के कारण समुद्र लाल रंग का दिखाई देता है, रेड है तो रेड कलर का दिखाई देगा। इनका जो विशाल समूह होता है वो विष उत्पन्न करता है जिसके कारण वहां की मछलियां मर जाती हैं, अन्य जीव मर जाते हैं। कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टी स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट कहां पाई जाती है? अभी बताया था डायनोफ्लैजिलेट में, ऑप्शन बी डायनोफ्लैजिलेट गोनियोलैक्स में। कलर कथन का चयन करिए, डायनोफ्लैजिलेट में दो कोशिका होती है, एक लंबवत दूसरा भित्ति घटक बीच में होती है, बताएं अभी सही है। डायनोफ्लैजिलेट की संख्या विस्फोट से समुद्र का जाल लाल रंग का दिखाई देने लगता है, बिल्कुल सही बात है। इससे जीव विष भी उत्पन्न होता है जो मछलियों अन्य जीव को मार देती है। डायनोफ्लैजिलेट में पादपों की तरह प्रकाश से बड़ा क्लोरोफिल ए पाया जाता है, गलत बात है। क्लोरोफिल ए नहीं होता, जैंथोफिल होता है, कैरोटीनॉइड होता है, ये सभी होते हैं। ठीक है, लाल डायनोफ्लैजिलेट का उदाहरण गोनियोलैक्स है, वो भी सही है। युगलिना में कोशिका भित्ति की जगह क्या होती है? युगलिना में कोशिका भित्ति की जगह क्या होती है? तो युगलिना में कोशिका भित्ति की जगह पेलिकल होता है, इसी के कारण इनका शरीर कैसा होता है? लचीला होता है। युगलिना के बारे में और बात बता दें तो युगलिना स्वपोषी होती है जब प्रकाश मिलता है, ठीक है, और परपोषी बन जाती है जब प्रकाश नहीं मिलता। यानी ये पादप की तरह भी व्यवहार करते हैं और जंतु की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए इनके बीच की कड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो पेलिकल। नेक्स्ट, दल कथन का चयन करिए, युगलिना अधिकांशतः स्वच्छ और स्थिर जल में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, युगलिना स्वच्छ और स्थिर जल में ही पाई जाती है। युगलिनाइड में कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त परत होती है, पेलिकल, सही बात है, जो इनके शरीर को लचीला बनाता है। युगलिनाइड में दो कशाब होते हैं, एक छोटा एक दूसरा, ये भी सही बात है। युगलिनाइड केवल परपोषी होते हैं, गलत बात है, स्वपोषी भी होते हैं, ऑप्शन डी, अभी बताया था। पादप वर्णकों के समान वर्णक पाए जाते हैं, पौधों में जो वर्णक होता है उसके समान वर्णक पाए जाते हैं युगलिना में, तभी तो ये प्रकाश संश्लेषण करती हैं। नेक्स्ट, मृतपोषी प्रोटिस्ट सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट का उदाहरण, प्रोटिस्टा में आपका कहता था क्राइजोफाइट्स डायनोफ्लैजिलेट युगलिनाइड स्लाइम माउल्ड। स्लाइम माउल्ड में माउल्ड शब्द जब जुड़ा है कवक, कवक का काम ही होता है मृत पदार्थों का भक्षण करना, तो स्लाइम माउल्ड भी वही काम करते हैं, औपंग कवक भी वही काम करते हैं, मृतपोषी होते हैं, सड़े गले चीजों से अपना भोजन अवशोषित करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में क्या बनाते हैं? औपंग कवक अनुकूल परिस्थितियों में 4-5 फीट लंबा जाल बनाते हैं जिसे कहा जाता है प्लाज्मोडियम, समूह बनाते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है। ठीक है, और प्रतिकूल परिस्थिति में क्या बनाते हैं? फलनकाय, फ्लोटिंग बॉडीज बनाते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति में प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है? इनका समूह है। और अगर बात करें प्रतिकूल परिस्थिति में, तो प्रतिकूल परिस्थिति में ये बनाते हैं फलनकाय यानी फ्लोटिंग बॉडीज। तो प्रतिकूल परिस्थिति में क्या बनाते हैं? बीजाणु युक्त फलनकाय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, औपंग कवकों के बीजाणु प्रतिकूल परिस्थिति में भी कई सालों तक सुरक्षित रह पाते हैं, क्यों? ऐसा क्या होता है कि इनके बीजाणु कई सालों तक सुरक्षित रह पाते हैं? तो इनमें जो बीजाणु है वो सत्य आवरण वाली होती है जो उच्च प्रतिरोधक होती है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट, औपंग कवकों के बीजाणुओं का प्रसारण,
अवपंक कवकों का जो बीजाणु है उसका प्रसारण यानी एक जगह से दूसरी जगह पर हो जाता है वायु द्वारा, एयर करंट द्वारा। ऑप्शन बी, एयर करंट द्वारा। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में होते हैं। सही लगा सकते हैं क्योंकि कुछ प्रोटोजोआ, अगर हम बात करें युगलीना की, तो वो इन केस प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ही सहपोषी होती है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग लगभग सभी परपोषी होते हैं। प्रोटोजोआ प्राणियों के पुरातन संबंधी, बिल्कुल सही बात है, पुरातन संबंधी, प्रिमिटिव रिलेशन, रिलेटिव है प्राणियों के, जंतुओं के, हम लोगों के प्रिमिटिव रिलेटिव प्रोटोजोआ ही है। अमीबॉइड प्रोटोजोआ में सुडोपोडिया होता है जिसके मदद से वो शिकार करते हैं, सही है। कुछ अमीबा के समुद्री प्रकार में उनकी सतह पर सिलिका की कवच पाई जाती है, ये भी सही बात है। एंट अमीबा स्वपोषी होते हैं, ये गलत बात है। एंट अमीबा परजीवी होते हैं जो मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अमीबी पेचिस रोग उत्पन्न करती है, परजीवी होती है। नेक्स्ट, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज किसकी वजह से होता है, तो ये है एग्जाम्पल ट्रिपैनोसोमा पैलेडियम का, ऑप्शन बी ट्रिपैनोसोमा के कारण होता है। नेक्स्ट, मिलान करना है, एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनके समूह से, तो क्राइजोफाइट्स के एग्जाम्पल अभी आपने पढ़ा है, डेस्माइट्स और डायटम्स, तो डेस्माइट्स है, लगा दीजिए। पचमा अभी के प्रोटोजोआ, सीलेटेड प्रोटोजान का एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम जिसके शरीर पर सीलिया पाई जाती है, ऑप्शन ए। कसाबी के प्रोटोजोआ जिसमें कसाबिका पाई जाती है, तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआन का एग्जाम्पल कौन सा देंगे, फ्लैजिला, युगलीना पाई जाती है, युगलीना तो सॉरी उसमें तो चलाएगा, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा लगाएंगे, कसाबी के प्रोटोजोआ होता है, युगलीना तो युगलीनाइड में चला जाता है, उसमें भी फ्लैजिला पाई जाती है, ठीक है। स्पोरोजोआ का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम जिसके कारण मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। ए का फोर, ए का फोर, बी का फर्स्ट, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम क्या होता है, स्पोरोजोआ होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए, कवक विश्वव्यापी होते हैं, बिल्कुल सही बात है, सब जगह पाए जाते हैं, हवा जल मिट्टी सब जगह पाए जाते हैं। कवकों के आकार की वासस्थान में बहुत अधिक भिन्नता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आकार की यानी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में सबसे ज्यादा विभिन्नता कवक में पाई जाती है। पोषण में विविधता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, मोनेरा में। उपापचय में विविधता सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती है, मोनेरा में। कवक में आकार की और वासस्थान में सबसे अधिक विभिन्नता पाई जाती है। मशरूम कुकुरमुत्ता ये भी कवक है, सही है। कवकों का प्रयोग एंटीपायरेटिक दवा बनाने में करते हैं, गलत बात है, कवकों का प्रयोग हम एंटीबायोटिक करते हैं, एंटीपायरेटिक नहीं, एंटीबायोटिक बनाने में करते हैं, जैसे पेनिसिलिन, पेनिसिलियम नोटेटम का प्रयोग पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। सरसों की पत्ती पर सफेद दाग, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, किसके कारण होता है, एल्बिगो कैंडिडा के कारण, ऑप्शन बी एल्बिगो कैंडिडा के कारण होता है। नेक्स्ट, सही कथन का चयन करिए, यीस्ट का प्रयोग प्रतिजैविक बनाने में किया जाता है, गलत बात है। गेहूं में किट रोग पक्सीनिया के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी लगा दीजिए। ईस्ट एक तंतुमयी कवक नहीं होता, एक कोशिकीय कवक होता है, ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती, काइटिन की बनी होती है, ये भी गलत है, ठीक है। सही कौन सा है, ये वाला। कवक तंतु के जाल को क्या कहते हैं, तो नेटवर्क ऑफ हाइफीज कॉल्ड माइसीलियम, माइसीलियम लगाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कवक तंतु जिनके जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव मल्टी न्यूक्लियेटेड साइटोप्लाज्म भरा होता है। अभी देखो, कवक तंतु दो प्रकार का होता है, एक होता है सेप्टेट और एक होता है एसेप्टेट। तो जो सेप्टेट वाला होता है उनके जगह जगह पर क्या होता है, ऐसे ऐसे कोशिकाएं विभाजित होती हैं जिनमें अपना अपना केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। लेकिन एसेप्टेट में जो होती हैं वो कहीं से भी विभाजित नहीं होती, सेप्टा नहीं पाया जाता और सारी केंद्रक ऐसे ही बिखरी होती है, तो ये मल्टी न्यूक्लियेटेड कहलाती हैं। तो बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्य जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, संकोशिकी हाइफी यानी कोइनोसिटिक हाइफी। कोइनोसिटिक हाइफी का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे केंद्रक हो, एसेप्टेट वाला कैटेगरी आता है। नेक्स्ट, कुछ कवकों में एस्कोमाइसोटिस में लैंगिक जनन के प्लाज्मोगैमी के दौरान एक मध्यवर्ती केंद्र द्विकेंद्र की अवस्था बनती है, जिसे क्या कहते हैं। एस्कोमाइसोटिस में एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें लैंगिक जनन के दौरान तुरंत विभाजन नहीं होता, एक द्विकोशिक द्विकेंद्र की अवस्था बनती है जिसे हम डाइकैरियन कहते हैं, केंद्रक युग्म कहते हैं, और इस प्रक्रिया के बनने की इसकी बनने की प्रक्रिया को डाइकैरियोफेज कहते हैं। एस्कोमाइसिटीज में लैंगिक जनन के दौरान केंद्रक युग्म बनने को कहते हैं डाइकैरियोफेज, अभी बताया था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कवक फलनकाय बनाती है, कवक फ्रूटिंग बॉडीज बनाती है जिसमें
कौन सा विभाजन होता है कि आगुणित बीजाणु बनते हैं। तो देखो यह है लैंगिक जनन का, कवक में लैंगिक जनन की क्रियाविधि तीन प्रकार से होती है। सबसे पहले कवक में क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होता है, प्लाज्मोगैमी में कवक तंतु आगुणित आकर मिल जाते हैं। फिर इनमें कैरियोगैमी होता है, यानी जो केंद्रक होते हैं वो आपस में मिलकर द्विगुणित कोशिका बनाते हैं। फिर इनमें होता है मियोसिस डिवीजन, मियोसिस डिवीजन के द्वारा इनमें आगुणित बीजाणु बनते हैं फ्रूटिंग बॉडीज में। तो मियोसिस होता है, मियोसिस को और किस नाम से जानते हैं, अर्धसूत्री कहिए या न्यूनीकरण विभाजन करिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, माइसीलियम आपपटीय तथा बहुकेंद्रकीय होता है। आप पढ़े हो कवक के कैटेगरी को, कवक के चार कैटेगरी होते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज, चार कैटेगरी आपने पढ़ा है। जिनमें से फाइकोमाइसिटीज जो होते हैं वे एसेप्टेट होते हैं। अब भैया एसेप्टेट हैं तो कोइनोसिटिक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि उनके पास सेप्टा नहीं है तो केंद्रक सारे बिखरे हैं, तो बहुकेंद्रकीय होगा ही होगा। बाकी तीनों के तीनों सेप्टेट और ब्रांचड होते हैं, बस एक यही होता है एसेप्टेट। तो चुपचाप लगा दीजिए फाइकोमाइसिटीज ए। और कुछ बातें बता दें आपको, फाइकोमाइसिटीज में कौन कौन से आते हैं, इसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए हमने तो एक फॉर्मूला बनाया है जिसको हम कहते हैं मरा, MRA, एक्नी और OPBP ACT। ठीक है, ये है ये कैटेगरी, ये कैटेगरी, ये कैटेगरी। तो फाइकोमाइसिटीज में ये आते हैं, यानी म्यूकर, म्यूकर राइजोपस ब्रेड माउल्ड होता है और एल्ब्यूगो जो कि मस्टर्ड पर पैरासाइट होता है। ACN में आता है एस्परजिलस, क्लेविसेप्स और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा को ध्यान रखना कि न्यूरोस्पोरा को सबसे ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग में लाते हैं, आनुवंशिकी प्रयोग या जैव रासायनिक प्रयोग में लाते हैं। जैसे ड्रोसोफिला का प्रयोग जंतु जगत में सबसे ज्यादा किया जाता है अध्ययन, वैसे ही न्यूरोस्पोरा का। यहां पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर ए से है अगैरिकस, यू से है अस्टिलैगो और पी से है पक्सिनिया और बी से है ब्रैकेट फंजाई और पी से है पफ बॉल, पफ बॉल। यहां पर ए से है अल्टरनेरिया, सी से है कोलाइटोट्रिकम और टी से है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, इसके कारण दाद होता है, दाद। तो दाद भी कवक के कारण होते हैं अपने। तो ये हो गया भैया फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल, ये हो गया एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल, ये बेसिडियोमाइसिटीज का एग्जांपल और ये हो गया ड्यूट्रोमाइसिटीज का एग्जांपल। तो ये मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, अपने लिए बनाया था, आपको अगर पसंद आता है तो इस तरह से याद कर लीजिए, मरा, एक्नी, OPBP ACT। आप यहां से आप एग्जांपल्स याद कर सकते हो, म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो इसका है, ACN एस्परजिलस क्लेविसेप्स न्यूरोस्पोरा इसका है, बेसिडियोमाइसिटीज में अगैरिकस मशरूम आता है, अस्टिलैगो पक्सिनिया और ब्रैकेट फंजाई पब्बॉल, बेसिडियोमाइसिटीज में आता है, ड्यूट्रोमाइसिटीज में अल्टरनेरिया कोलाइटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा आता है। अब यहां पर भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे माइकोसिस, फाइकोमाइसिटीज को तो कुछ नहीं, एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई कहते हैं, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज में नो सेक्सुअल ऑर्गन बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ड्यूट्रोमाइसिटीज में देखेंगे तो नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। देखो बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बिना सेक्सुअल ऑर्गन के, ये सब कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइकोमाइसिटीज में अलैंगिक जनन चल बीजाणु तथा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु बीजाणुधान में उत्पन्न होते हैं किस प्रकार से, अगर हम बात करें फाइकोमाइसिटीज में तो फाइकोमाइसिटीज में अंतरजात रूप से उत्पन्न होते हैं, वहीं अगर हम बात करें बेसिडियोमाइसिटीज में तो बेसिडियोमाइसिटीज में बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं एक्जोजिनसली, ये है एंडोजिनसली, ठीक है ऑप्शन बी। दो युग्मक के संलयन से युग्माणु बनते हैं,
दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु का बनना फाइकोमाइसिटीज का लक्षण है। नेक्स्ट, ब्रेड मोल्ड किसे कहते हैं? राइजोपस को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सरसों पर परजीवी कवक, सरसों पर परजीवी कवक कौन है? अभी बताया था, एल्ब्यूगो, कैंडिडा, व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मिलान करना है, सैक फंजाई, आपको पता है सैक फंजाई किसको कहते हैं? एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज का एग्जांपल, अच्छा चलो यहां पर दिया ही है। अपूर्ण फंजाई, फंजाई इंपरफेक्टी किसको कहते हैं? ड्यूट्रोमाइसिटीज को, क्योंकि उसमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, तो फंजाई इंपरफेक्टी कहते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज को। लैंगिक जनन का अभाव, सॉरी लैंगिक अंग का अभाव, लैंगिक जनन तो होता है लेकिन बिना लैंगिक अंग के, तो लैंगिक अंग का अभाव होता है बेसिडियोमाइसिटीज में। आपटीय कवक यानी एसेप्टेट माइसिलियम किसका एग्जांपल है? शुरू में बताए थे फाइकोमाइसिटीज का, लगा दीजिए। ए का टू, ए का टू, बी का फोर, सी का फर्स्ट, ये गलत है, सी का फर्स्ट, ऑप्शन सी सही होगा। एक कोशिकीय ईस्ट को रखा गया है, ईस्ट एक कोशिकीय होता है, इसको रखा गया है एस्कोमाइसिटीज में। अब ये से कैसे याद रखोगे? देखो ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय, एक एस्को, ठीक है, रिलेट कर लेना। नेक्स्ट, अलैंगिक बीजाणु उत्पन्न होते हैं, अलैंगिक बीजाणु उत्पन्न होते हैं तो ये भी अंतरजात रूप से कोनिडियोधर्म में उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन ए। कवक जिसका उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोग में बहुत किया जाता है, मैंने पहले बताया था आनुवंशिक रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है न्यूरोस्पोरा क्लैविस, न्यूरोस्पोरा का, ऑप्शन सी। ये जंतु जगत के ड्रोसोफिला के समान माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ड्रोसोफिला का भी प्रयोग किया जाता है आनुवंशिकी के अध्ययन में, उसी तरीके से न्यूरोस्पोरा का आनुवंशिकी के अध्ययन में किया जाता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जंतु जगत का ड्रोसोफिला किसके समान माना जा सकता है? न्यूरोस्पोरा के, क्योंकि इस दोनों का उपयोग आनुवंशिकी में बहुत किया जाता है। खाने योग्य कवक कौन कौन से हैं जिसे हम खा सकते हैं? मॉरल, ड्रफल, मशरूम, सभी को खा सकते हैं, ऑप्शन डी। इनमें से मशरूम तो आप खाए होंगे, ये भी खाए होंगे, हम लोग क्या इसको कहते हैं, बता रहे हो, डिफोर सोफड़ा कहते हैं, कुछ जगह पे इसको कुटकी कहते हैं, अलग अलग नाम से जाना जाता है। मशरूम ब्रैकेट फंजाई व पब्बाल्स आते हैं, मशरूम ब्रैकेट फंजाई पब्बाल्स, बताइए। ओपीबीपी किसका एग्जांपल? बेसिडियोमाइसिटीज, ऑप्शन ए। अलैंगिक बीजाणु प्रायः अनुपस्थित होते हैं, किसमें अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते हैं? तो ये एग्जांपल है बेसिडियोमाइसिटीज का, बेसिडियोमाइसिटीज में कोई अलैंगिक बीजाणु नहीं पाया जाता, लैंगिक जनन होता है बिना लैंगिक अंग के। बेसिडियम बीजाणु का निर्माण बेसिडियोकार्प में होता है। अब देखिए बेसिडियम आ गया यानी बेसिडियोमाइसिटीज का आ गया एग्जांपल, तो यहां पर बहिर्जात लगाएंगे, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होता है, ऑप्शन बी। यदि ड्यूट्रोमाइसिटीज में लैंगिक जनन की खोज हो जाए, अभी आपको बताया था कि लैंगिक जनन तो नहीं पाया था ड्यूट्रोमाइसिटीज में, लैंगिक जनन की अगर खोज हो जाए तो इसको किस में रख सकते हैं? आप कहोगे भाई किसी में भी रख देंगे, फाइकोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, सॉरी एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज में से किस में हम, अच्छा नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता पूछा गया है, तो किस में नहीं रख सकते हैं? ध्यान से समझना, आपने अभी पढ़ा था कि फाइकोमाइसिटीज में जो कवक तंतु होता है वो एसेप्टेट होता है और बाकी सब सेप्टेट होते हैं, तीनों सेप्टेट होते हैं। अगर इनमें लैंगिक जनन की खोज हो जाए तो इनको हम इसमें रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं रख सकते क्योंकि इनका जो कवक तंतु है वो सेप्टेट होता है, तो सेप्टेट है तो इसको इसमें नहीं रखेंगे, या तो बेसिडियो में रखेंगे, एस्को में रखेंगे, फाइकोमाइसिटीज में नहीं रखेंगे, बाकी कवक है तो कवक में तो रखेंगे ही, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूट्रोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणु कौन सा होता है? तो ड्यूट्रोमाइसिटीज में अलैंगिक बीजाणु होता है कोनिडिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कीट भक्षी पौधों के उदाहरण, कीट भक्षी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कीटों को भक्षण करते हैं नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, यूटिकुलेरिया, ब्लैडर वार्ट, फीनस लाइटर, सभी होते हैं, ऑप्शन डी। परजीवी पौधे का उदाहरण अमरबेल, कसकुटा परजीवी होता है। पांच जगत पद्धति में लाइकेन के अलावा और किन को किसी भी जगत में नहीं रखा गया है? किसी भी जगत में नहीं रखा गया, वायरस, वायराइड, प्रियॉन, इन सभी को किसी भी जगत में नहीं रखा गया, ऑप्शन डी। आकोशिकीय जीव विषाणु सजीव कोशिका के बाहर किस रूप में मिलते हैं? विषाणु सजीव कोशिका में जीवित हो जाते हैं, बाहर निर्जीव होता है, किस रूप में मिलता है? रवे यानी क्रिस्टल के रूप में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तंबाकू मोज़ेक रोग के रोगाणु का पता किसने लगाया था? तंबाकू मोज़ेक वायरस TMV का पता लगाया था डीजे इवानोस्की ने, इन्हें डेमेट्री इवानोस्की भी कहते हैं, ये इन्होंने TMV वायरस का पता लगाया था, विषाणु का सबसे पहले खोज भी इसने किया था, डीजे इवानोस्की ने।
गलत कथन का चयन करना, विषाणु बैक्टीरिया से आकार में बड़ा होता है, विषाणु बैक्टीरिया से आकार में बड़ा होता है, विषाणु बैक्टीरिया से आकार में बड़ा होता है, गलत है, बैक्टीरिया से छोटा होता है, वही गलत है। बाकी बीजरेणके ने कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडियम कहा था, सही है, विषाणु अवकल्पी परजीवी होते हैं, ऑब्लिकेट पैरासाइट, बिल्कुल सही है। स्टैनर ने बताया कि रवेदर बनाया सकता है, ऑप्शन ए गलत आंसर है, ठीक है। विषाणु न्यूक्लियो प्रोटीन में होता है, न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन, विषाणु केवल दो चीजों से मिलकर बने होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल डीएनए या आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनके प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं, कैप्सिड बने होते हैं कैप्सोमियर की, जो कि हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज होती है। प्रायः सभी पादप विषाणु होते हैं, अगर हम बात करें पादप विषाणु की, तो पादप विषाणु सभी सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, मैक्सिमम याद कर लो, प्लांट वायरस जो होते हैं वो होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। वहीं अगर हम बात करें एनिमल वायरस, एनिमल वायरस में क्या होता है, तो एनिमल वायरस में होता है सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल और डबल भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है या डीएनए भी हो सकता है, सिंगल डबल कुछ भी हो, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज की, बैक्टीरियोफेज ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है, तो बैक्टीरियोफेज में जो पाया जाता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जंतु विषाणु कैसे होते हैं, तो जंतु विषाणु में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो एक रज्जु की हो सकता है, द्विरज्जु की हो सकता है, आरएनए हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, एक रज्जु की द्विरज्जु की आरएनए, एक रज्जु की द्विरज्जु की डीएनए, ऑप्शन ई लगाएंगे, सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट, जीवाणु भोजी कैसे होते हैं, बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, विषाणु जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विषाणु के प्रोटीन आवरण को क्या कहते हैं, तो विषाणु के प्रोटीन आवरण को कैप्सिड कहते हैं, पता ही आपको, कैप्सिड किसका बना होता है, कैप्सोमियर का बना होता है, कैप्सोमियर किस रूप में अरेंज होता है, हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। कैप्सिड छोटी छोटी उपिकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, तो कैप्सिड किससे मिलकर बना होता है, कैप्सोमियर से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कैप्सोमियर कैप्सिड में लगे होते हैं, हेलिकल पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। वायराइड की खोज किसने की थी, टीओ डाइनर ने की थी। वायराइड होता क्या है, सिर्फ न्यूक्लिक अम्ल होता है, आरएनए, कम अणुभार वाले होते हैं, रोग उत्पन्न करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग उत्पन्न करते हैं वायराइड, ठीक है। आरएनए होता है, कम अणुभार होता है, विषाणु से छोटा भी होता है, विषाणु से छोटा होता है, सही है। वायराइड के कारण पोटैटो स्पिंडल रोग होता है, सही है। वायराइड में केवल आरएनए पाया था, आरएनए का अणुभार कम होता है, सही है। वायराइड में प्रोटीन स्तर कैप्सिड होता है, गलत बात है, वायराइड में कैप्सिड नहीं होता, वायरस में कैप्सिड होता है। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए, कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन कारक प्रियॉन द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रियॉन का आकार वायरस से छोटा होता है, गलत बात है, समान होता है, प्रियॉन वायरस के आकार के समान होते हैं। प्रियॉन द्वारा प्राणियों में बोवाइन स्पंजी फॉर्म एंसिफिलोपैथी या मैड काउ डिजीज होता है, सही है। और प्राणियों में, मनुष्यों में कौन सा रोग होता है, जायकब डिजीज, यही आपका गलत है, सॉरी ये नहीं, दूसरा वाला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गलत कथन का चयन करिए, लाइकेन सहवाल और कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है, सही है। लाइकेन में सहवाल के घटक को सहवलांश, कवक के घटक को कवकांश कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। सहवाल कवक को आश्रय देता है, खनिज जल का अवशोषण करता है, कवक सहवाल के लिए भोजन बनाती है, उल्टा दे दिया, गलत है, यही गलत है। सहवाल आश्रय देती है कवक को, लेकिन भोजन बनाने का काम सहवाल का होता है, कवक का काम होता है जल और खनिज का अवशोषण, वही गलत है। लाइकेन प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं, ये सही बात है, क्योंकि लाइकेन प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते। ये था आज का टॉपिक, जिसमें आपने कुल 78 क्वेश्चंस देखा इस अध्याय से, जो इंपॉर्टेंट है, जिनके आने की पूरी चांसेस हैं। आप अगर अभी नहीं पढ़े हो इस अध्याय को, तो फिर से पढ़ के इस क्वेश्चंस को लगाना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे नीट में, हर हाल में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के 100% लाइन से बने हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है, आप इसको लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, धन्यवाद।